10 पे 20 और परसेंट छूट, और आपको एक जगह मिल रही होती है 30% छूट, तो आप उसमें से चूज कौन सी करेंगे। तो उसको करने के लिए आपको डिस्काउंट आना जरूरी है। डिस्काउंट यानी कि बट्टा, यानी कि छूट, कि आपको किसी वस्तु पर कैसे छूट मिल रही है। तो आपके सामने क्वेश्चन आता है दो बट्टे यानी दो डिस्काउंट की जगह पर अगर एक अकेला डिस्काउंट दिया जाए तो वो कितने परसेंट का दिया जाएगा। तीन की जगह एक अकेला दिया जाए तो कितनी जगह पर दिया जाएगा, चार की जगह। वैसे वो ज्यादातर क्वेश्चन में आपको दो और तीन वाला डिस्काउंट बोलता है और वो आपको करना होता है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन होता है 10% और 20% के समतुल्य एक अकेला पट्टा क्या हो। तो आप इसे कैसे करते हैं? इसे करने का आपके पास एक फॉर्मूला होता है, जैसे 10% की छूट है तो -10, 20% की छूट है -20। और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, x into y x plus y plus x into y। और हम अभी तक इसी फॉर्मूले से करते थे। आइए करिए, 10 - 20 तो आपका इससे ये निकल के आया -30 + 2 = -28। आपको ये पता चला कि अगर दो बट्टे दिए जाए तो उसके समतुल्य बट्टा क्या होता है। ये दिखावे वाला आपको दिख रहा है 30 है, लेकिन ये बट्टा रियल में दिया कितना जा रहा है आपको, 28। ये आपका आया कैसे? जैसे कोई चीज थी आपकी 100% में आपको 10% की छूट दे दी, अभी बचे 90। 90 में आपको फिर से 20% की छूट दी यानी कि 18, तो वो आपकी बची, ये इसमें से 18 और घटाएंगे तो आपकी बची ये 72, ये आपकी 72 बची। अब अगर इस 72 में से 100% थी, 72 की आपको ये चीज खरीदी है तो छूट कितने की मिली होगी आपको, 28%। ये इस तरीके से आया। आप इसको इस प्रोसेस से भी करते थे, इस प्रोसेस से भी करते थे, लेकिन अभी आपको इसकी एक ट्रिक पता चलेगी, उससे आप इसको जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं। जल्दी करने के लिए आप जो भी दो बट्टे दे रखे होंगे या तीन दे रखे होंगे तो उनमें से दो को आप छांटेंगे और उनका योग करेंगे। 10 और 20 माइनस 10 का 20% या 20 का 10% 2 बराबर 28। आपका ये एक ही लाइन में और लगभग 5 सेकंड में पूरा क्वेश्चन हो जाता है कि उसे 28% की छूट मिली। यहाँ से हम जा रहे हैं तो पहले हमने ये लिखा फिर कैलकुलेशन की तो उससे हमारा 28% आया। अगर 100% भी मान के करेंगे तो भी हमारा इतना करना पड़ता है। उसके लिए सिर्फ हमें क्या करना होता है, योग को लिखना होता है, योग का परसेंट लिखना होता है, हमारा आंसर आ जाता है। जैसे इसका एक और क्वेश्चन हम करते हैं, एक अकेला बट्टा। तो हम एक्स वाई वाले तरीके से कर सकते हैं, 100% से कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से कैसे करेंगे, फिर से दोनों का योग 50 माइनस 20 का 30% या 30 का 20% 6 बराबर 4 आपका आंसर। तो आपको इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप इसे चाहे तो मन मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आप इसे कैसे करेंगे। उसके लिए अगर आप फॉर्मूले को यूज करेंगे तो फॉर्मूले के लिए आपको लिखना पड़ेगा और कैलकुलेशन कॉपी पे करनी पड़ेगी। ये लगभग आपका 5 सेकंड में हो जाता है और वो आपको 30 से 35 सेकंड कम से कम आपको वो कम से कम लगेंगे। तो इसके लिए आपका जो एग्जाम है वो बीट करने के लिए आपको देखना होता है कि आप जल्दी से जल्दी किस तरीके से करते हैं। जैसे इसका अगर तीन वाला क्वेश्चन होगा आपका 10%, 20%, 30% ये समतुल्य एक अकेला
और क्वेश्चन दिया जाए 40% 20% और 30%। आप दोबारा से 20 और 30 वाला हमने अभी भी देखा था क्या हुआ था, जो किया 50 माइनस 20 और 30% 6 आता। तो आपका याद है 44 44 और 40 दोनों को ऐड किया आपका 84 माइनस 40 का 40% या 40 का 44%। तो अगर मैं इसकी कर लूँ तो इसका 10% होगा 4.4। तो इसका 4% मतलब 10% 4.4, 20% 8.8, 8 और 8 16 तो वो 17.6 आ गया। 8 16 8.8 तो 16.16 आ गया, जो कि आपका वो 17 के लास्ट। तो इसमें से अगर माइनस करें तो 84 17.6, यानी 4 पॉइंट, यहाँ पे 4 था 7 14 6 7 था 1 6, तो आपका ऐसा आंसर आ गया 66.4%। आप इसे इतने जल्दी तरीके से कर सकते हैं और आपके पास एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इन्हें देखते ही इसका आंसर लगा देंगे कि इनका आंसर क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।